Good morning my dear children why do bees buzz this is a chapter for today chapter 4 page number 28 in your english reader book can you hear something i hope you can there are there are sounds around me uh, dear children animals around us make noises that help them communicate find a mate or defend themselves और टेरिटरी प्रोटेक्शन के लिए भी जो एनिमल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं टू वार्न दर अटैकर्स जब वो अपने किसी अपने किसी शिकार को देख लें तभी भी वो साउंड निकालते हैं देखिए आप भी अभी आसपास आवाज़ सुन सकते हैं क्योंकि मैं अपने गार्डन के पास ही बैठी हूँ एंड दीज वॉइस आर वेरी क्लियर नाउ इस चैप्टर का जो टॉपिक है वाई डू बीज बज़ ये पूरा चैप्टर इस पे इस पे बेस्ड है बच्चों की जो बीज होती हैं वो ये बज जो उनका है वो क्यों प्रोड्यूस होता है वाई डू दे हैव दिस बजिंग साउंड ठीक है नाउ वट डू यू मीन बाय बज बज़ इज़ अ साउंड विच इज मेड बाय द बीज इट इज़ अ लो कंटिन्यूस हमिंग और मर्बरिंग साउंड बचो एक स्पेशल सी साउंड होती है आप देखना भँवरे मधुमक्खी एक अलग तरह की आवाज़ करते हैं कभी आप ध्यान दीजिएगा तो आपको सुनाई देगा उसको आप बस कहते हैं अब क्वेश्चन ये है कि वाई डू बीज बज जो बीज है स्पेसिफिकली वाई डू दे बज़ नाउ इन दिस चैप्टर यू कैन सी द पिक्चर अ लेडी इज देर अ चाइल्ड इज देर एंड देर आर देर आर सो मेनी बम्बल बीज नेस्ट इज़ ऑल्सो देयर बम्बल बीज का जो नेस्ट है वो भी दिख रहा है अब बच्चों बम्बल बी और हनी बी दो अलग चीज़ें हैं हनी बी और बम्बल बी में साइज़ का भी फ़र्क होता है घर का फ़र्क होता है वो हाइव में रहती हैं हनी बीज इनका नेस्ट होता है अब देखिए ये लेडी और ये बच्चा ये सोच रहे हैं कि ये जो आवाज़ है बम्बल बी की ये क्यों आ रही है देखिए बज़ है वट्स ऑल द बज़ अबाउट ये जो बज़ है ये क्यों है कैसे है क्या है इट्स एज एट अ कोड वर्ड यूज बाई बीज टू कॉल देर फ्रेंड्स और अ हम ऑफ एक्साइटमेंट वेन हनी इज इंपॉर्टेड जैसे मैंने आपको बताया इंसेक्ट की जो ये बजिंग है ये बज जो ये वो प्रोड्यूस करते हैं ये कुछ ही रीज़न से होता है बेटा ठीक है वो आप, आपस में उनको बात करना हो कोई कोड वर्ड यहाँ पर कहा है कि आपस में कम्युनिकेशन अगर उनको करना हो या क्या ये बम्बल भी उसके लिए ये बस साउंड कर रही हैं और इनको हनी दिख गया है इसलिए ये कर रही हैं क्योंकि ये एनिमल्स का ये उनका ये रीज़न होते हैं उनके ये साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जब वो शिकार को देखते हैं अपने उसकी ओर बढ़ते हैं बीज और बंबल बी हनी या फ्लावर्स को देख के दे गेट एक्साइटेड दे ट्राई टू रीच देयर एंड दे मेक साउंड नाउ बीज पर्टिकुलरली बम्बल बीज मेक अ लाउड बजिंग साउंड एज दे फ्लाई जब बम्बल बी जिसको हम भंवरा भी कहते हैं बच्चों जब ये उड़ता है तो एक अलग तरह की आवाज़ आती है एक तो ये फ्लाइंग इंसेक्ट हैं और इनके जो रेस्पिरेशन होता है ये सांस लेते हैं अपनी बॉडी में प्रेजेंट कुछ हो कुछ आप यू कैन कॉल देम स्पाइरेकल्स होल्स जिन्हें कहते हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं बहुत ही मिनी उनकी हेल्प से ये हवा ये सांस लेते हैं सांस भी लेनी है इनको उड़ना भी है बॉडी का बैलेंस भी बनाना है बेटा तो इन सब चीज़ों में साउंड प्रोड्यूस होती है है ना द रैपिड विंग बीट इनका जो विंग्स हैं इनके ये 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 यू कैन सी द विंग्स तो आपके जो इंसेक्ट हैं ये अपने विंग्स को हवा में ऊपर नीचे करेंगे दे दे फ्लैप दयर विंग्स वो ये जो इनका इनका जो विंग फ्लैपिंग होता है इससे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं और दूसरा ये हवा में आपको अपने आप को उड़ने की कोशिश में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो ये पुश करते हैं बेटा एयर को ठीक है पुश करते हैं अपना एक पोजीशन uh, बनाने के लिए थोड़ा जब ये ऊपर थोड़ा सा उड़ना चाहते हैं तो ये अपनी बॉडी को ये एयर को पुश करते हैं तो उससे भी इनकी साउंड प्रोड्यूस होती है तो सबका कलेक्टिवली जो ये साउंड होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है स्पेशली इन बम्बल बीज Deekhe. The sound is made when the wings beat up and down. The smaller the wings, the faster the bees have to beat them in order to fly. And the quicker they beat, the louder the buzz. Ab dekho, beta. Bees have medium-sized wings. The buzzing ki jo sound hai that depends on the size of insects' wing and the speed with which they फ्लैप देअविंग्स बीस के जो विंग्स होते हैं वो मीडियम साइज़ के होते हैं एंड दे फ्लैप देम मोर देन टू हंड्रेड टाइम्स पर सेकेंड आप सोचिए एक सेकेंड में मोर देन टू हंड्रेड टाइम्स आ, बार बार वो उनको फ्लैप उनका फ्लैपिंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन मूवमेंट होता है आप सोचिए फिर किस तरह से आवाज़ आपको कितनी तेज़ आवाज़ आपको सुनाई देगी बी इज़ विग्रसली वाइब्रेट देयर विंग्स विंग मसल्स एंड मिडिल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी वाइल विजिटिंग द फ्लावर्स ठीक है बच्चों अब हम ये आगे पढ़ेंगे तो इस वजह से इनका जो ये आवाज़ ये इतना तेज आता है जितना जल्दी ये उसको बीट करेंगे उतना लाउडर बज होता है ये आपकी बम्बल भी इतना लाउडर बज इसलिए होता है क्योंकि ये एक सेकेंड में टू हंड्रेड टाइम्स इनको ऊपर नीचे बीट करती है अपने विंग्स को चलिए बी इज ऑल्सो बज टू डू समथिंग वेरी यूजफुल नाउ दिस इज दिस इज द इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट दे कैरी यू पॉलन फ्राम वन फ्लावर टू द अदर लाइक पोस्टमैन डिलीवरिंग लेटर्स देखिए बेटे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है बम्बल बी का दैट इज दे वर्क एज पॉलीनेटर अब पॉलिनेटर क्या होते हैं पॉलिनेटर होते हैं जो एक फूल से पोलन पॉलन पोलन को दूसरे फूल पे पहुंचाते हैं और इस तरह से वो उनके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं और आपका एक प्लांट दो प्लांट तीन प्लांट चार प्लांट हज़ारों प्लांट्स आपको मिलेंगे क्योंकि वो पॉलीनेट होते हैं फ़र्टिलाइज़ होते हैं उसके बाद उसके बाद इस तरह से ही क्या करते हैं आपकी जो हारवेस्ट होती है उसको इनक्रीज़ करते हैं बच्चों ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है बीज विग्रसली वाइब्रेट देयर विंग्स मसल्स एंड मिडल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी वाइल विजिटिंग द फ्लावर्स ये क्या करते हैं दे शेक द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर्स जैसे ये पॉलन ग्रेन्स को शेक करेंगे तो ये बीज की बॉडीज पे चिपक जाते हैं बच्चों पॉलन ग्रेन्स और ये जब बीज दूसरे फ्लावर्स पर जाती हैं तो पोल पॉलन जो है वहीं डिपॉजिट कर देते हैं इस तरह से पॉलीनेशन का प्रोसेस होता है पॉलिनेशन एनिमल्स और थिंग दैट पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस जिनमें आपके एक फूल से दूसरे फूल पे जो पॉलन जाते हैं फर्टिलाइजेशन होता है और एक प्लांट से दूसरा प्लांट प्रोड्यूस होता है और आपकी बीज जो हैं वो परफेक्ट का पॉलिनेटर का काम करती हैं पॉलिनेटर जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं ना जैसे पोस्टमैन होता है चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है बिल्कुल वैसे ही जो आपके बीज होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास ले जाता है ये पक्के पोस्टमैन का काम करता है अब ये काम कैसे करता है वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड यू कैन वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर थैंक यू चिल्ड्रन